Thank you, Dr. Swadasan. Honorable Ramji. धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का। मान्यवर, इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में गोंड, धारिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, इनकी लंबे अरसे से डिमांड आ रही थी कि मुझे ट्राइबल्स में हमें इंक्लूड किया जाए। उसके लिए माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देना भी चाहता हूँ। और साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक जाति है महरा और महरा, और उनकी आबादी 12 लाख की है और लंबे अरसे से उनकी डिमांड है कि हमें ट्राइबल्स में इंक्लूड किया जाए और उनकी जो संस्कृति है वो पूरी तरह से ट्राइबल्स के साथ में मिली हुई है। महरा जात के लोग ग्राम देवी देवता की पूजा करते हैं, उन्हीं देवी देवताओं के रूप में बौद्धराज, गंगाराज, हिंगलेजन देवी, धनतेश्वरी देवी, गंगना देवी, भैरव देव की पूजा पाठ करते हैं। महाराज जात के लोग जादू टोना में विश्वास रखते हैं व बैगा, ओझा, पुजारी आज से झाड़ फूक कराते हैं। त्यौहार जो उनके होते हैं आदिवासियों से मिलते जुलते हैं, बीज, पंडो, आमुस, नवाखाई, धान, नवा आदि उनके त्यौहार हैं जो कि आदिवासियों से मिलता जुलता है। और मान्यवर, पार्ट 4C मध्य प्रदेश का जो गजट है 1950 8 दिसंबर की सूची में अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में महाराज जात भी अंकित है और यह जाति मान्यवर बहुत ही सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। इनको देश की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार का प्रोत्साहन आवश्यक है। इसलिए मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि महरा और महरा जाति जो एक ही है उनको भी ट्राइबल्स में छत्तीसगढ़ में शामिल किया जाए। और साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में धोबी समाज है जो कि पूरे अन्य प्रदेशों में अनुसूचित जाति में आता है, लेकिन ये धोबी समाज भोपाल, रायसेन और सीहोर में, ये SC में आता है लेकिन बाकी जिलों में ये सामान्य श्रेणी में आता है। उनकी भी एक लंबे समय से मांग आ रही है कि धोबी समाज कहते हैं कि हम मरने पर और मृत्यु पर और जब कोई बच्चा पैदा होता है मवाद के स्कूल और हॉस्पिटल के सारे कपड़े गंदे धुलते हैं, खून के गंदे कपड़े धुलते हैं, तो इसलिए हमारे साथ में जाति का भेदभाव होता है, छुआछूत हमारे साथ में होती है, तो इसलिए हमारी जाति को भी SC की जाति में शामिल किया जाए मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में। ये एक उनके लंबे अरसे से उनकी डिमांड चली आ रही है और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि धोबी समाज को भी SC की जाति में मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी शामिल किया जाए और साथ ही उनकी जाति के अनुपात में मध्य प्रदेश में SC का रिजर्वेशन भी बढ़ाया जाए। और मान्यवर, माननीय मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं, ट्राइबल मिनिस्टर जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा और जनजाति विभाग की एक भर्ती निकाली गई संयुक्त काउंसलिंग में, 1082 पद निकाले गए, उसमें 9315 लोग ट्राइबल्स के क्वालिफाई कर पाए लेकिन 767 पद वहां आज भी खाली। और वहीं EWS में जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, सरकार ने वहां पे कट ऑफ का जो लिस्ट था उसको कम कर दिया, मार्क्स को कम कर दिया और EWS की पोस्ट को भर लिया गया लेकिन ट्राइबल्स की पोस्ट को नहीं भरा गया। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा इस पर संज्ञान लेकर के मध्य प्रदेश की 767 जो पोस्ट हैं इनको भरवाने का भी काम करें। और माननीय मंत्री जी से और रिक्वेस्ट भी करूंगा, मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्रम संख्या 3 2022 दिनांक 20 जुलाई 2022 को स्त्री रोग विशेषज्ञ इंटरव्यू में 100 में से प्रदान किए गए अंक जातिगत भेदभाव SC ST और OBC के विरुद्ध है। जातिगत भेदभाव को देख करके उसमें एक जांच की प्रक्रिया अपनाई जाए कि SC ST OBC के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके नंबर 30 नंबर, 32 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर दिए गए, ये एक जातिवादी मानसिकता की सोच दर्शाता है। इस पर भी मैं माननीय ट्राइबल मिनिस्टर जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और आपके माध्यम से सरकार से भी कहूंगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्वमेंट लेकर के इसकी प्रॉपर जांच भी कराए। मान्यवर, एक बात और भी कहना चाहता हूं, ट्राइबल्स के ऊपर पूरे देश के अंदर आज अत्याचार बढ़ गया है, पूरे देश के अंदर, मैं किसी भी सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं लेकिन ट्राइबल्स के साथ में अत्याचार बढ़ा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हर जगह ट्राइबल्स के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर कार्तिक भील एक संघर्षशील युवा लड़का था, वो अपने संघर्षों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के वो संघर्ष कर रहा था, अपने सामाजिक अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहा था, अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहा था, लेकिन वहां पर पहले की बात जिस तरह से जितेंद्र मेघवाल की हत्या मूछ रखने पे की गई वैसे ही कार्तिक भील की हत्या भी वहां कर दी गई।
जातिवादी मानसिकता के लोगों ने हत्या कर दी। मान्यवर, आज उसका परिवार दर दर भटक रहा है अपने अपने बच्चे के इंसाफ के लिए, लेकिन उसे आज तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा। ऐसे ही मान्यवर, मध्य प्रदेश की मैं घटनाएं आपके सामने लाना चाहता हूं। सिवनी के अंदर सिमरिया गांव है, सिमरिया गांव के अंदर धनपत और संपतलाल और ब्रजेश तीन युवकों को रात में खींच के पीटा गया। उसमें दो संपतलाल की और धनसा की मौत हो गई, ट्राइबल्स की मौत हो गई। वही नीमच के अंदर एक ट्राइबल्स को ट्रक में बांध के खींचा गया, उसकी मौत हो गई। और नहीं, नेमावर की घटना में बताता हूं, नेमावर में पूरे परिवार को, ट्राइबल्स के पूरे परिवार को मार के जमीन में गाड़ दिया गया। ये एक घटना नहीं है, ऐसे ही मान्यवर हमारे सामने तमाम घटनाएं आती हैं। केरला की घटना में बताता हूं आपको, केरला के अंदर में एक मधु नाम का ट्राइबल था। उस ट्राइबल ने अपने जंगलों से निकल के काम के सिलसिले में आया, लेकिन उसे पीट पीट के मार दिया गया। ये शर्मनाक घटनाएं पूरे देश के अंदर आज ट्राइबल्स के साथ में होती हैं, आदिवासियों दलितों के साथ में होती हैं। इसलिए मान्यवर, इस पर कड़ी से कड़ी नियम कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा उनकी पुनरावृत्ति इस देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बिरसा।